आज का जो हमारा वीडियो है वो है बॉर्नविटा ब्राउनी। उसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ कुकिंग और बेकिंग के बारे में। कुकिंग जो होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक दाल बना रहे हैं, उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई तो हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग इसका अपोजिट है। एक बार जो चीज़ डल गई सो डल गई, वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा बेकिंग करते समय एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स और एग्जैक्ट अमाउंट उनका देखकर ही करिए। इस बॉर्नविटा ब्राउनी का इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख के इसे बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसी बनी है हमारी बॉर्नविटा ब्राउनी। बॉर्नविटा ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा मैदा, जो कि मैंने लिया है 1.5 कप, घी लिया है मैंने 1 कप, दूध भी लिया है मैंने 1 कप, और तो और शुगर भी लिया है मैंने 1 कप, लेकिन बॉर्नविटा मैंने लिया है 1/2 कप और बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1/4 चम्मच। अब आप सोच रहे होंगे ये कप का मेजरमेंट क्या है। ये देखिए, ये कप है, इसके मेजरमेंट से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स सेम इसी तरह लेने हैं जो बताए गए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सचर, उसमें डालेंगे 1 कप शुगर, 1 कप देसी घी और 1/2 कप बॉर्नविटा और इन सब को हम कर लेंगे ब्लेंड अच्छे से। 3 से 4 मिनट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है कुछ ऐसा दिखेगा। बॉर्नविटा भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और शुगर भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। फिर हमें लेना है मिक्सिंग के लिए एक बाउल और थोड़ा सा दूध और मैदा, जो कि हमने 1.5 कप ले रखा था। ब्लेंड किए हुए सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा दूध और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब आपको करना यूँ है, आपको 1-1 चम्मच मैदा डालना है और थोड़ा सा दूध डालना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्लेंडर की मदद से इसे करके दिखाता हूँ, फिर आपको विस्कर की मदद से भी करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था ब्लेंडर की मदद से कैसे करना है, अब बताता हूँ विस्कर से कैसे करना है। आपको 1 चम्मच मैदा डालना है, 1 चम्मच दूध डालना है, उसके बाद विस्कर से अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपकी ब्राउनी में। आपको मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट बताया था, 1.5 कप मैदा, 1 कप दूध। इन सबको अच्छे से फेंटने के बाद आप देखेंगे हमारा जो मिक्सचर है कुछ ऐसा दिखेगा। अब रेडी है आपका मिक्सचर बेक करने के लिए। देखिए, अब हम बेकिंग जो करेंगे वो करेंगे एल्युमिनियम के बर्तन में। सबसे पहले हम उसको ग्रीस कर लेंगे देसी घी की मदद से, चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर देंगे, चारों वॉल्स पे भी और नीचे की साइड पे भी। उसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर है तो इसकी साइज़ का बटर पेपर काट के इसमें लगा दीजिए, नहीं है तो मेरी तरह देसी इलाज करिए मैदा लगा के। आपको चारों तरफ अच्छे से मैदा लगाना है ताकि हमारी ब्राउनी नीचे चिपके ना। चारों तरफ मैदा अच्छे से लगाने के बाद आप इसमें डाल लीजिए हमारी बॉर्नविटा ब्राउनी का मिक्सचर और उसे सेट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, आप चारों तरफ से एकदम सेट है। देखिए, अब थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। हम कर रहे हैं थोड़े से बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी गार्निश, लेकिन गार्निश जो जाती है ब्राउनी के अंदर वो जाती है वॉलनट की, लेकिन हम बना रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तो इस लॉकडाउन में ना ही हमारे पास वॉलनट है और ना ही इसे गार्निश करने के लिए चॉकलेट्स। हम बना रहे हैं हमारी बॉर्नविटा ब्राउनी को इस गैस ओवन के ऊपर। अब देखिए, ब्राउनी का मिक्सचर डालने से पहले आपको ओवन को प्रीहीट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मिक्सचर डालिए और इसे आपको बेक करना है 35 मिनट तक, वो भी एकदम लो फ्लेम पे। आई रिपीट, एकदम लो फ्लेम पे। 35 मिनट बाद आप देखेंगे आपकी जो ब्राउनी है वो रेडी है, बाहर से एकदम हार्ड और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग, और आपकी ब्राउनी सर्व करने के लिए रेडी है। इसी शानदार रेसिपीज के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल फेसबुक वाले द एरोमेटिक लाइफ को भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ जाइए और एक बार उसे भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।